जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू पैराग्राफ नंबर फोर, यूनिट नंबर फोर, पैराग्राफ नंबर फोर, पेज नंबर 33 ऑफ योर बुक. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पैराग्राफ नंबर फोर, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, माइग्रेशन हिजरत, migration hijrat, a tribal chief kabaili sardar, tribal chief kabaili sardar of disbeliever kuffar ka, abu jahl, अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी शदीद गुस्से की हालत में, शदीद गुस्से की हालत में, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी शदीद गुस्से की हालत में, हेडेड बढ़ा टूवर्ड्स की जानिब, ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी शदीद गुस्से की हालत में, हेडेड बढ़ा टूवर्ड्स की जानिब, हज़रत अबू बकर सदीक्स होम, हज़रत अबू बकर सदीक के घर की जानिब. हिजरत की रात कुफार का एक कबायली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से की हालत में, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हे के घर की तरफ बढ़ा. ही बिगैन शुरू कर दिया, नोकिंग खटखटाना, ही बिगैन उसने शुरू कर दिया नोकिंग खटखटाना, द डोर दरवाज़ा, वॉयलेंटली शदीद गुस्से की हालत में या ज़ोर ज़ोर से, वॉयलेंटली ज़ोर ज़ोर से, बिगेन शुरू किया, शुरू कर दिया नॉकिंग खटखटाना, डोर दरवाज़ा, वॉयलेंटली ज़ोर से, He began knocking at the door violently. उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को खटखटाना शुरू किया. Addressing हज़रत असमा, addressing मुखातिब करते हुए, मुखातिब करते हुए हज़रत असमा को, he demanded, उसने पूछा, उसने सवाल किया या उसने कहा, He demanded या मुतालबा किया या पूछा, ठीक है. Demanded का बेसिकली जो मीनिंग है वो मुतालबा होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमने मीनिंग को यूज़ करना है, सो एक्चुअल मीनिंग इज़ मुतालबा करना, बट हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ पूछा. वेयर इज़ योर फादर, आपके वालिद कहाँ हैं. एड्रेसिंग हज़रत असमा, ही डिमांडेड, वेयर इज़ योर फादर, हज़रत असमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर इसने पूछा कि आपके वालिद कहाँ हैं. शी पोलाइटली रिप्लाइड, पोलाइटली नरमी से रिप्लाइड जवाब दिया. How would I know? आपने नरमी से जवाब दिया, मैं कैसे जान सकती हूँ. How would I know? मैं कैसे जान सकती हूँ. This response means जवाब.
रिस्पॉन्स जवाब, शोज शोज जाहिर करता है, विजडम जहानत अकलमंदी, एंड करेज करेज हौसला, विजडम जहानत करेज हौसला, ऑफ हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का। ये जवाब हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की जहानत और हौसले को जाहिर करता है। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, आपने कोई ऐसी बात ना कही, स्टेटमेंट बात कहना, दैट वुड जिससे, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे उसे कोई इशारा मिलता, क्लू इशारा मिलना, आपने कोई भी ऐसी बात ना कही, स्टेटमेंट बात कहना, करना या कहना, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे उसे कोई इशारा मिलता, आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इसको कोई इशारा मिलता। शी सिंपली, आपने बहुत सादगी से या आराम से, सिंपली सादगी से, पॉज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन एक जवाबन सवाल पूछा, जवाबन एक सवाल पूछा, दैट इन्फ्यूरेटेड, इन्फ्यूरेटेड आग बगूला कर दिया, अबू जहल, अबू जहल को इन्फ्यूरेटेड आग बगूला करना, आग बगूला करना, इन्फ्यूरेटेड। शी सिंपली पॉज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, आपने बहुत आराम से या सादगी से जवाबन एक सवाल पूछा जिसने अबू जहल को आग बगुला कर दिया, आपने बहुत सादगी से जवाबन एक सवाल पूछा जिसने अबू जहल को आग बगुला कर दिया। आगे देखिए, ही स्लैप्ड, स्लैप्ड थप्पड़ मारना, ही स्लैप्ड हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हाज़ फेस सो हार्ड, सो हार्ड इतनी जोर से, दैट हर एयरिंग, एयरिंग कान की बाली, फेल ऑफ गिर गई, बट शी रिमेंड, रिमेंड रही, स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट साबित कदम, स्टेडफास्ट साबित कदम, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, एंड डिड नॉट और ना किया, रिवील रिवील आश्कार या फाश, सीक्रेट सीक्रेट राज, ओके। He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आपके कान की बाली गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रहीं और राज फाश ना किया, लेकिन आप साबित कदम रहीं और राज फाश ना किया।
ओके सो देयर इज अ वाइल रीडिंग क्वेश्चन. Why was Abu Jahl furious? Abu Jahl इतने ज़्यादा शदीद गुस्से की हालत में क्यों था? जी, Abu Jahl was furious. He was furious. You may as well write. ठीक है? Abu Jahl was furious. Because Rasool Akram sallallahu alaihi wa sallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had escaped. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had escaped فرار ہو گئے تھے फरार हो गए थे फ्रॉम हिज वॉल स्केप फ्रॉम हिज क्लचेस का मतलब है फ्रॉम हिज क्लचेस का मतलब होगा चुंगल से ठीक है. सो अबू जहल वॉज furious Abu Jahl was furious because Rasool Akram sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ had escaped from his clutches kyunki Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam aur aapke qareebi saathi Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ uske chungal se farar ho gaye the ya bach ke nikal gaye the. theek hai, प्रीवियस पेज पे भी एक आपका पैराग्राफ नंबर 4 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. हमने फ्रेज पढ़ा था जी फिट ऑफ फ्यूरी. तो था क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी. तो उसका क्या मतलब है? इट मींस अ स्टेट ऑफ ग्रेट एंगर ग्रेट शदीद एंगर गुस्सा, ऐसी हालत जो शदीद गुस्से वाली हो. ठीक है, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ ग्रेट एंगर. अब आपने ये दोनों वायलेटिंग क्वेश्चन भी आपने लर्न करने हैं और साथ में इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी. ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एवरीवन.